और नैनीताल में जल संचित अभियान के तहत पेयजल एवं सैनिटेशन भारत सरकार टीम के अपर सचिव डॉक्टर एसएस संधू जल संचय संरक्षण और जल संवर्धन में किए जा रहे कार्यों के निरीक्षण करने किलवरी में नैना देवी बर्ड संचरण एरिया पहुंचे। इस दौरान पेयजल सचिव अरविंद हियाकी ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में 2017 में जनशक्ति अभियान के अभियोगों का कार्यक्रम का प्रारंभ करना शुरू कर दिया था, जिसमें नदियों को पुनर्जीवन करने का काम किया जा रहा है। सभी विभागों को एक साथ लेकर वैज्ञानिक तरीके से जल संरक्षण संचयन संवर्धन कार्य किए जा रहे हैं और राज्य में जल संरक्षण संवर्धन के 19 लाख कार्य किए गए, जिसमें 150 करोड़ लाख लीटर जल संचय क्षमता बढ़ी है। टीम ने नैना देवी बर्ड क्षेत्र में पौधारोपण भी किया है। राज्य ने, आपको पता है, 2017 से ही इस जल शक्ति अभियान के जो भी अवयव हैं उनको काम करना प्रारंभ कर दिया था। आपने सुना होगा नदियों के पुनर्जीवन की परिकल्पना 2017 में पहली बार की गई थी। कोसी पुनर्जीवन, रिस्पना पुनर्जीवन, ये अखबारों में आप लोगों ने बहुत अच्छा उसको प्रकाशित भी किया था। उसी कड़ी में अब छोटे छोटे और उपाय क्या हो सकते हैं गाँव में, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्रेंच खोद है, चाहे कृषि विभाग कृषि पॉइंट खोद है, चाहे तालाबों का रिजुविनेशन हो, चाहे चेक डैम्स बने, प्लांटेशन